दोस्तों एंड पे जो है मैं आपसे कॉस्ट की जो है वो बात करूंगा कि स्लाइड पे जितनी भी चीज़ें मैंने परचेजिंग के लिए आपको बताई हैं वो आपने जो परचेज करनी है इन सब की जो कॉस्ट है ये तकरीबन सिम प्लस रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस प्लस बिजनेस एड्रेस सभी की जो है ये कॉस्ट मिला के तकरीबन 100 पाउंड से 150 पाउंड तक जो है वो आपकी कॉस्ट बनेगी। ये कॉस्ट जो है वो वेरी करेगी आप जहाँ से रजिस्टर्ड ऑफिस परचेज कर रहे होंगे या डायरेक्टर सर्विसेज एड्रेस जो है वो परचेज कर रहे होंगे तो वो वेरी करेगी कि किस वेबसाइट से आपने परचेज करने जा रहे हैं। तो ये जो है इसकी कास्ट जो है 100 पाउंड से लेकर 150 पाउंड तक जो है ये टोटल इसकी कास्ट बनेगी। तो चलिए आप चलते हैं अपने सेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पोर्शन है उस पर चलते हैं। ये मैंने आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ यूके की वेबसाइट खुली हुई है जिसका एड्रेस भी आप यूरल से देख सकते हैं कि www.gov.uk/limited। तो इसका जो लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा, वहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं और डायरेक्ट यूरल जो है यहाँ पे जो है टाइप भी कर सकते हैं। तो रजिस्टर योर कंपनी की ऑप्शन पे आप नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू में नीचे जाएंगे तो नीचे आपको रजिस्टर नाउ की ऑप्शन नज़र आ रही है। इसमें सबसे पहला जो स्लाइड है इसमें आप देख सकते हैं कि मैसेज आ रहा है कि आर यू स्टार्टिंग अ न्यू एप्लीकेशन, तो यस पे आप क्लिक करेंगे कंटिन्यू करेंगे। अब दूसरी जो स्लाइड है इसमें आप देखें चेक बिफोर यू स्टार्ट, इसमें वो आपको कह रहा है कि शो वाइदर यू कैन यूज दिस सर्विसेज टू रजिस्टर लिमिटेड कंपनी एंड सेटअप कॉरपोरेशन टैक्स टू टैक्स। तो इसमें आप कंटिन्यू टू क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन एरिया आएगा उस पर आप कंटिन्यू करेंगे। अगली साइड जो है ये आपसे पूछ रहा है कि आर यू एबल टू पे फॉर दिस एप्लीकेशन यूजिंग ए। अच्छा, इसमें जब आप कंपनी रजिस्टर्ड करेंगे गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जो आपकी रजिस्टर्ड होगी, जब आप बिल्कुल एंड पे चले जाएंगे ये जब सारा फिल कर लेंगे सभी सारे फॉर्म सभी स्लाइड्स हैं उन पर जो है वो क्वेश्चनेयर फिल कर लेंगे तो 12 पाउंड की जो है वो आपको ऑनलाइन एक पेमेंट करनी होगी जो कि गवर्नमेंट ऑफ यूके को आप करेंगे, जो कि इनकी अपनी एक लीगल फीस है जो कि आप अपने क्रेडिट कार्ड किसी भी अपनी कंट्री जहाँ पे आप रहते हैं उसका क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज करते हुए या पेपाल से करेंगे। तो वही आपसे ये पूछ रहा है कि आर यू एबल कि आपके पास अवेलेबल है, तो आप इस पे यस के लिए क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है इसमें ये कह रहा है इज ए न्यू कंपनी टेकिंग ओवर अनदर बिजनेस, ये कह रहा है कि जो आप कंपनी रजिस्टर करवाने जा रहे हैं क्या ये एक दूसरे बिजनेस को टेक ओवर करेगी, जबकि हमारे केस में ऐसा नहीं है, हम एक नई कंपनी रजिस्टर करवाने जा रहे हैं। तो इसमें आप नो क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ रहा है आर यू डायरेक्टर आर अ पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल ऑन द कंपनी हाउस सिक्योर रजिस्टर्ड। यहाँ से आपसे आपसे ये क्वेश्चन ये कर रहा है कि जो कंपनी का डायरेक्टर होगा या सिग्निफिकेंट कंट्रोल जो होगा जिस बंदे का कंपनी हाउस कंपनी पे वो क्या वो सिक्योर रजिस्टर्ड है। पहले तो ये वाली टर्म जो है सिग्निफिकेंट कंट्रोल वाली पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ये पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल वो वाला बंदा होता है जिसका पूरी कंपनी पे जो है वो कंट्रोल होता है, जो कि डायरेक्टर को किसी वक्त भी हटा भी सकता है और रिमूव करके चेंज भी कर सकता है। और डायरेक्टर जो है डायरेक्टर के अलावा या सिग्निफिकेंट पर्सन जो है ये बकायदा डायरेक्टर को भी कंट्रोल करता है। तो इसमें ये आपसे पूछ रहा है कि क्या डायरेक्टर या सिग्निफिकेंट कंट्रोल जो पर्सन है वो सिक्योर रजिस्टर्ड तो नहीं है। अब सिक्योर रजिस्टर जो है इसकी ये टर्म मैं आपको समझाऊंगा कि सिक्योर रजिस्टर बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ यूके के अंदर ऐसा बंदा होता है जिसकी जान को खतरा होता है या कोई थ्रेट होता है तो वो बकायदा अपने आप को रजिस्टर करवाता है कि ये फलां मुझे थ्रेट है ये तो या मेरी जान को खतरा है, तो ये उसको जो है वो सिक्योर रजिस्टर कहा जाता है। तो इस फ्लाइट में वो आपसे ये पूछ रहा है कि डायरेक्टर या जो सिग्निफिकेंट कंट्रोल पर्सन है क्या वो सिक्योर रजिस्टर्ड है तो नहीं है, यानी कि कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जिसकी जान को खतरा है और वो ऑलरेडी एज ए सिक्योर रजिस्टर्ड है। तो हमारे केस में ऐसे नहीं है, आप नो को क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। आगे जो है यू विल नाउ क्रिएट ए गवर्नमेंट गेटवे, अब ये गवर्नमेंट गेटवे की आईडी पे आपको लेके जा रहा है, तो आप क्रिएट गवर्नमेंट गेटवे यूजर आईडी पे जो है वो क्लिक करेंगे। सबसे पहले जो है वो ईमेल एड्रेस पूछ रहा है, एक रैंडम ईमेल एड्रेस जो है वो मैं यहाँ पे जो है वो मैंने एक क्रिएट किया हुआ है, वो मैं आपको यहाँ से कॉपी करके जो है वो वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो ये मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, ये मैंने पेस्ट कर दिया, इसको कंटिन्यू करेंगे ईमेल एड्रेस को।
अब वो कह रहा है कि कंफर्मेशन कोड जो है वो यहाँ पे पुट करें, तो इसी ईमेल एड्रेस जो आप दे रहे होंगे अपना पर्सनल, जो कि एक नया ईमेल एड्रेस होगा जीमेल का, आप वहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपको मेल आई होगी जो कि गेटवे जो है उसका कंफर्मेशन कोड आया होगा, इसको आप जो है वो कॉपी करेंगे, इसको कॉपी करके यहाँ पे जो है जाके पेस्ट कर देंगे और कंटिन्यू कंफर्म कर देंगे। अब वो कह रहा है कि ईमेल एड्रेस जो है वो आपका कंफर्म्ड हो चुका है, तो आप जो है फर्दर प्रोसीड के लिए कंटिन्यू करेंगे। अब वो कह रहा है कि व्हाट इज़ योर फुल नेम, फुल नेम जो है मैं यहाँ पे दे देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, अली भट्ट चले दे देते हैं, और कंटिन्यू करूँगा मैं। यहाँ पे वो कह रहा है कि आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे, पासवर्ड आप उसी तरह से क्रिएट करेंगे जैसे कि आप जो है कोई भी ईमेल आईडी क्रिएट कर रहे होते हैं या कोई और भी चीज़ ऐड कर रहे होते हैं, तो आप ईमेल आईडी देते हैं, उसी तरह जो है वो आप प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए जो के ऊपर लिखा हुआ है, तो आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब वो आपसे पूछ रहा है कि सेटअप रिकवरी फॉर योर साइन इन डिटेल, तो आप इसको कंटिन्यू करेंगे। अब वो कह रहा है कि सेटअप रिकवरी वर्ड, यहाँ पे वो कह रहा है कि आप जो है कोई वर्ड अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसके लिए एक रिकवरी वर्ड जो है वो आपने सेलेक्ट करना होगा। रिकवरी वर्ड जो है वो उसका भी प्रोटोकॉल दिया हुआ है कि ये बिटवीन 6 to 12 करेक्टर होने चाहिए, और इसमें जो है वो स्पेस भी नहीं होनी चाहिए और कोई स्पेशल करेक्टर या नंबर्स भी नहीं होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे कोई ये नंबर कोई रैंडमली दे देता हूँ और इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। अब ये कह रहा है कि योर ईमेल गेटवे आईडी जो है ये मेरी जनरेट हो चुकी है और इसकी मुझे ईमेल भी आ गई होगी इधर। जो जो आप प्रोसेस करते जाएंगे आपको जो जो मेल जो है वो कंफर्मेशन की साथ साथ आती जाएंगी। जी आप देख सकते हैं कि जीमेल के अकाउंट पे मुझे मेल भी आ चुकी है, तो यहाँ पे मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। अच्छा, वो आपसे पूछ रहा है विच ईमेल एड्रेस डू यू वांट टू यूज फॉर दिस एप्लीकेशन, तो आप यही वाला ईमेल आईडी जो है वो सिलेक्ट करेंगे जो आपने ऑलरेडी दिया हुआ है ईमेल एड्रेस जो है आप एप्लीकेशन के लिए, तो इसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, वो आप आपसे पूछ रहा है व्हाट इज योर रिलेशन विद टू द, आपका कंपनी से क्या रिलेशन है, तो आप जाहिर है आप कंपनी डायरेक्टर हैं जो कंपनी फॉर्म करने जा रहे हैं, तो आप कंपनी डायरेक्टर पे क्लिक करेंगे, सो सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब पूछ रहा है विल द कंपनी बी ए कंपनी इंटरेस्ट कम्युनिटी इंटरेस्टेड कंपनी, कम्युनिटी इंटरेस्टेड कंपनी आप जानते ही हैं वो वाली कंपनी होती है जो कि कोई एनजीओ टाइप होती है जिसका इंटरेस्ट जो है कंपनी इंटरेस्ट जो है पब्लिक होता है, तो पब्लिक जो है जिसका इंटरेस्ट होता है, तो ये बेसिकली हम जो है लिमिटेड कंपनी फॉर्म करने जा रहे हैं जो जो कि कम्युनिटी इंटरेस्टेड कंपनी नहीं है, तो लिहाजा आप यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अगली जो ऑप्शन है इसमें आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है विल द कंपनी बाय लिमिटेड बाय शेयर आर लिमिटेड बाय गारंटी, तो ये हमारी कंपनी चूंकि हम प्रॉफिट के लिए जो है ये कंपनी जो है क्रिएट करने जा रहे हैं, तो हमारी जो कंपनी है वो लिमिटेड बाय गारंटी है, और लिमिटेड बाय सॉरी लिमिटेड बाय शेयर है, लिमिटेड बाय गारंटी वो होती है जो कि नॉन प्रॉफिटेबल होती है, तो हम चूंकि लिमिटेड बाय शेयर कंपनी लिमिटेड कंपनी फॉर्म करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिमिटेड बाय शेयर को क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब वो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे कंपनी का जो है वो नाम दें, कंपनी का नाम देखें कि अवेलेबल है या नहीं, आप कोई भी जो नाम रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे, आगे लिमिटेड आ जाएगा, और यहाँ पे अगर आप लिमिटेड करना चाहें या एलटीडी करना चाहें दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं, एक ही बात है, तो इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। अगर तो ये नाम अवेलेबल होगा तो ये प्रोसीड कर देगा, अदरवाइज आपको एरर दे देगा और कहेगा कि आप कोई और नाम चूज करें। तो अब देखें ये हमें आगे ले गया, इसका मतलब है कि ये नाम जो है वो अवेलेबल है। तो अब जो अगली स्लाइड है वो ये आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इस पे इसको गौर से देखिएगा। ये वही वाला अब आपसे वो एड्रेस पूछ रहा है जो कि रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, जो कि मैंने आपको चेक लिस्ट में बताया था कि जो है आपने एक रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस जो है किसी भी अच्छी वेबसाइट से जाके जो है वो परचेज करना है, ये वो वाले रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस का पोस्ट कोड मांग रहा है। जब आप रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस किसी भी वेबसाइट से परचेज करेंगे तो वो आपको एक पोस्ट कोड भी देगा, तो पोस्ट कोड जो है वो आप यहाँ पे जो है देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली जो है आगे फाइंड एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो एड्रेस जो आपने परचेज किया होगा वो शो हो जाएगा।
ये देखें, ये जो मैंने एक रैंडमली नाम दिया, एक पोस्टल कोड दिया, उसका एग्जैक्ट यही एड्रेस है जो यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये एग्जैक्ट वही वाला एड्रेस है। आप इस पर क्लिक करेंगे और अगर आपका यही एड्रेस है, अगर यहाँ पे हो सकता है सम टाइम ज़्यादा ऑप्शंस आती हैं, जो एग्जैक्ट ऑप्शंस होगी उसको आप चेक क्लिक करके तो सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब वो दोबारा आपसे ये पूछ रहा है कि रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस यही है। आप वो पूरा एड्रेस दे रहा है जिसमें पूरा उसका पोस्टल कोड एड्रेस सारा आ रहा है। आप दोबारा कन्फर्म एंड कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अब वो कह रहा है कि वेयर विल द कंपनी बी रजिस्टर्ड। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इनमें से आपकी जो कंपनी रजिस्टर्ड होने जा रही है उसमें आप इंग्लैंड एंड वेल्स जो है वो जो है सेलेक्ट करेंगे और सेव और कंटिन्यू करेंगे। अब आपसे वो व्हाट इज द कंपनी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, वो पूछ रहा है कि आपका प्लेस ऑफ बिजनेस कौन सा होगा। तो आपका वही प्लेस ऑफ बिजनेस जो है होगा जो जो कि आपने रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस पर चेज किया हुआ है, वो यहाँ पे शो भी हो रहा है। अब उसको क्लिक करके जो है सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, वो कह रहा है कि गिव अस वन आर मोर वेज टू कंटेक्ट अली भट्ट लिमिटेड। जो आप कंपनी फॉर्म करने जा रहे हैं, वो कह रहा है कि एक कोई एक कंटेक्ट जो है वो वे बताएं और या इससे ज्यादा का बताएं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पे जो है आप अपना मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं जो कि आपने जो कि वाई की सिम से आपने परचेज किया होगा या गिफ्ट कार्ड से परचेज किया होगा, तो वो वाला नंबर आप यहाँ पे भी दे सकते हैं। और साथ जो है ईमेल एड्रेस ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे शो हो रहा है, तो मैं फिलहाल जो है सिर्फ ईमेल आईडी पे ही क्लिक करूंगा। अगर आप मोबाइल नंबर देना चाहें तो वो भी दे के दोनों चीजें सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब वो आपसे पूछ रहा है कि व्हेन विल बी द कंपनी स्टार्ट ट्रेडिंग, के कंपनी ट्रेडिंग कब स्टार्ट करेगी। वो पूछ रहा है कि बता रहा है कि तीन ऑप्शन दे रहा है कि उसी जब ये सेटअप हो जाएगी उसी वक्त ये स्टार्ट कर देगी या डिफरेंट फ्यूचर में डेट में स्टार्ट करेगा, या अभी आपका ट्रेडिंग का जो है वो प्लान नहीं है। तो आप पहली वाली ऑप्शन जो है वो टिक करेंगे कि ऑन द सेम डेट इट गेट्स सेटअप, ये जिस दिन ये सेटअप हो जाएगी कंपनी उसी दिन से ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब आपसे वो पूछ रहा है इन दिस 3 फर्स्ट मंथ कंपनी विल बी द डू एनी ऑफ द फॉलोइंग। वो कह रहा है कि इन तीन ऑप्शंस में से जो है अगर कंपनी पहले 3 महीनों में जो है वो कोई ऑप्शन यूज करेगी या नहीं करेगी। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि वो बैंक से लोन लेगी या नहीं, या मेक रॉयल्टी पेमेंट्स, रिसीव इंटरेस्ट और डिवाइडेड पेमेंट्स फ्रॉम द ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। तो आप में से कोई भी जो है इन तीनों में से हम कोई भी चीज़ जो है वो पहले 3 महीनों में नहीं करेंगे जब कंपनी फॉर्म कर रहे होंगे, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आप नो पे क्लिक करेंगे और जो है सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब वो आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द कंपनी बी डूइंग। तो यहाँ पे जो है डिफरेंट ऑप्शन जो है वो आपको दे रहा है कि आपका एग्जैक्ट जो लाइन है वो क्या होगी बिजनेस की। तो इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ज़्यादा जो आप अपनी मर्जी से भी जो आप एग्जैक्ट करना चाह रहे हैं वो टाइप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि चूंकि आप इंटरनेशनल सेलिंग करना चाह रहे हैं और इंटरनेशनल सेलर बनने चाह रहे हैं, तो उसमें जो है आपको डेफिनेटली आप जो है इंटरनेट के थ्रू ये सारी चीज़ें करेंगे। तो यहाँ पे आप जो है खाली जगह पे जो है INTER इंटर टाइप करेंगे तो ये डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगी। इनमें से जो सेकंड वाली ऑप्शन है जिसका कोड है 47910, इसमें आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है रिटेल सेल वाया मेल ऑर्डर्स हाउसेज आर वाया इंटरनेट। ये ऑप्शन जो है ये ज़्यादा हमें सूटेबल रहेगी क्योंकि हमने जब कंपनी इंटरनेशनल सेलिंग करेंगे तो हम थ्रू इंटरनेट ही ज़्यादा जो है अपने ऑपरेशन जो है वो मैनेज कर रहे होंगे। तो हमें जो है ये ज़्यादा सूट ये वाली ऑप्शन करेगी सेकंड नंबर पे। अगर आप समझते हैं कि आप इसके अलावा कोई और कोई ऐसी ऑप्शन जो है वो यूज़ करेंगे जो कि आपको इससे ज़्यादा सूटेबल है तो आप वो भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप ये वाली ऑप्शन जो है वो जो है इसको चेक करें जिसका कोड 47910 है, इसको सेव एंड कंटिन्यू करें। अब वो आपसे चेक एंड कंफर्म व्हाट योर कंपनी विल बी डूइंग। अब दोबारा से वही ऑप्शन बता रहा है कि आपने यही सिलेक्ट किया, यहाँ से आप रिमूव करके चेंज भी कर सकते हैं या ऐड अनदर बिजनेस एक्टिविटी यहाँ पे जो है वो चूज कर सकते हैं।
तो हमने यही टाइप किया था, तो ये कन्फर्म एंड कंटिन्यू करेंगे। अगली स्लाइड में आपसे पूछ रहा है, हैज एनीवन ऑफ दिस एप्लीकेशन एवर सेंट सिक्योर रजिस्टर फॉर्म टू आस्क कंपनी हाउस फॉर प्रोटेक्शन। तो ये सिक्योर रजिस्टर पहली स्लाइड पे भी, पहले प्रीवियसली भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये वही बंदा होता है जिसकी जान को खतरा होता है या कोई थ्रेट होता है, और वो सिक्योर रजिस्टर्ड होता है यूके में। तो इनमें वो यही आपसे पूछ रहा है कि जो एप्लीकेंट है उनमें से ऑलरेडी को सिक्योर रजिस्टर्ड तो नहीं है, तो इस ऑप्शन को आप नो क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब आपसे वो डायरेक्टर की डिटेल पूछ रहा है, यहाँ पे आप अपना मिस्टर लिख देंगे, यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम देंगे, आपका जो मिडिल नेम है यहाँ पे वो आप अपना देंगे, और लास्ट नेम जो है आप यहाँ पे देंगे। और इसमें इस सेक्शन में आप ये ख्याल रखिएगा, आप एग्जैक्ट वही स्पेलिंग और वही नाम देंगे जो कि आपके पासपोर्ट पे होगा, और क्योंकि बाद में फिर कॉम्प्लिकेशन होगी कि अगर आपका यहाँ पे नाम और यहाँ स्पेलिंग कुछ हो रहा है और पासपोर्ट पे कुछ हो रहा है, एग्जैक्ट आप वही डाटा यहाँ पे भरेंगे जो कि आपके पासपोर्ट पे मौजूद है। आगे वो आपसे पूछ रहा है, हैड द डायरेक्टर यूज अ डिफरेंट नेम फॉर यूजर बिजनेस पर्पजेज इन द लास्ट 20 ईयर्स, कि आपने प्रीवियसली किसी और नाम से जो है बिजनेस पर्पज के लिए डायरेक्टर ने जो है प्रीवियसली कोई यूज किया हुआ है, तो इसमें आप नो का क्लिक करेंगे। नीचे आपसे वो नेशनैलिटी पूछ रहा है, आप जिस भी कंट्री में रहते हैं आप नेशनैलिटी दे देंगे, तो मेरे केस में पाकिस्तानी आएगा। नीचे आप जो है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ दे देंगे जो आपकी पासपोर्ट पे है। जॉब टाइटल में जो है आप यहाँ पे डायरेक्टर भी लिख सकते हैं, और ये ऑप्शन आ रही है डायरेक्टर की, अगर आप डायरेक्टर नहीं लिखना चाहते तो ओनर भी लिख सकते हैं। तो ये आप सेव एंड कंटिन्यू जो करेंगे इसको यहाँ पे, बस इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि जो डाटा फिल कर रहे हैं वो आपका जो पासपोर्ट है उस पर जो डाटा दिया हुआ है उससे वो मैच करना चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब फ्यूचर में वेरिफिकेशन होगी तो वो अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी अगर कोई आप बीच में से कोई चेंजिंग करेंगे तो। अब व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस, अली भट्ट का जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस भी हमारा वही होगा जो हमने रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस परचेज किया होगा, यही वाला। तो इसको यही वाले एड्रेस को आप सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब आपसे वो होम एड्रेस पूछ रहा है, होम एड्रेस भी आप वही देंगे जो आपने रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस परचेज किया हुआ है, आप वही देंगे और सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। डज अली बट वॉन्ट टू रिसीव फाइलिंग रिमाइंडर, टैक्स फाइलिंग रिमाइंडर का वो आपसे पूछ रहा है कि वाया ईमेल आपको रिमाइंडर दिए जाएं, तो आप यस कर दें और सेव एंड कंटिन्यू कर दें। अब आपसे वो पूछ रहा है कि विच ई मेल एड्रेस डज अली बट वॉन्ट टू यूज द फाइलिंग रिमाइंडर के लिए, कौन सा ई मेल एड्रेस आप देंगे, तो आप वही वाला ई मेल एड्रेस दे दें जो कि आपने न्यू क्रिएट किया था जी मेल का और जो प्रीवियसली आप यूज कर रहे हैं, तो आप इसी को जो है सेव एंड कंटिन्यू करें। अब आपसे वो पूछ रहा है कि चेक एंड कंफर्म द डायरेक्टर डिटेल्स, के आपने जो पिछली जितनी भी स्लाइड्स में जो भी डाटा दिया वो आपको एक दफा रिव्यू करवा रहा है, इसमें आप एक दफा दोबारा जरूर चेक कीजिएगा, कोई गलती मिस्टेक हो सकती है, एक बार एक दफा जो है इसको रिव्यू करके सारे डाटा को आया जो आपने डाटा फिल किया प्रीवियस स्लाइड्स में वैसा ही आया, कोई गलती तो नहीं है, आप एक दफा रिव्यू करके इसको यहाँ पे कन्फर्म करेंगे और एग्री करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब वो आपसे पूछ रहा है, यू आर गोइंग टू यू आर अबाउट टू सेट अप द अब कंपनी शेयर्स जो है, शेयर होल्डर जो है वो आप डिसाइड करेंगे, तो इस पे आप सेव एंड कंटिन्यू करें। अब आपसे वो पूछ रहा है कि जो अली भट्ट है जो कि ये शेयर होल्डर है, तो यस वो शेयर होल्डर है, जो कंपनी का डायरेक्टर है वो शेयर होल्डर भी है, तो सेव एंड कंटिन्यू करेंगे आप। अब वो आपसे पूछ रहा है, व्हाट डू यू लाइक टू ऐड अनदर शेयर होल्डर, अगर तो आप अकेले ही डायरेक्टर हैं तो फिर आप यस करेंगे, सॉरी नो करेंगे, और अगर आपका कोई पार्टनर है साथ तो फिर आप जो है यस करके उसकी भी डिटेल देंगे, लेकिन बेहतर यही होगा कि जब आप कंपनी फॉर्म करने हैं तो उसमें जो है आप एक ही शुरू में डायरेक्टर रखें, बाद में भी आप चेंजिंग कर सकते हैं। कंपनी फॉर्मेशन में अगर एक डायरेक्टर होगा तो वो आपकी कंपनी जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से और जल्दी जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएगी, और अगर आप इसमें शेयर होल्डर के साथ कोई और ऐड करेंगे तो फिर थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट होगा, तो बेहतर यही है कि बाद में आप ऐड कर सकते हैं आपने शेयर होल्डर को,
तो अभी जो है आप एक ही शेयर होल्डर जो है वही रहने दें जो कि कंपनी का डायरेक्टर होगा, तो वुड यू लाइक टू ऐड अनदर शेयर होल्डर, तो नो करें और सेव एंड कंटिन्यू करें। अब आपसे वो पूछ रहा है कि चेक एंड कंफर्म शेयर होल्डर डिटेल, शेयर होल्डर की डिटेल वो दोबारा आपको जो आपने रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस परचेज किया हुआ था उसका नाम और एड्रेस का जो है वो पूरा पोस्ट कोड और सारा कुछ बता रहा है जी, आप रीचेक करके इसको सेव एंड कंफर्म एंड कंटिन्यू करेंगे। अब वो आपसे पूछ रहा है डू यू वांट टू यूज द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ शेयर्स, तो इसमें आप यस करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। पहले जो है वो आपको आप शेयर्स का जो परसेंटेज है वो आप आपसे पूछने जा रहा है हाउ मेनी शेयर डज अली बट होन, तो इसमें जो है आप अदर अमाउंट करेंगे और यहाँ पे 100% जो है वो करेंगे कि 100% जो है अली बट जो है वो उसके शेयर जो है 100% है, तो इसमें सेव एंड कंटिन्यू आप करेंगे। अब वो आपसे पूछ रहा है कि चूज ए वैल्यू फॉर ई शेयर की जो वैल्यू है वो 1 पाउंड होगी, तो और इसको आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब वो दोबारा से आपसे पूछ रहा है कि चेक एंड कंफर्म शेयर होल्डर्स एंड शेयर्स की डिटेल पूछ रहा है, जो आपने प्रीवियसली चीजें जो भी स्लाइड्स में दी हैं वो रिव्यू करें, आप एक दफा देख लें कोई गलती तो नहीं है, ये वही वाली सारी चीजें हैं और आप कन्फर्म एंड कंटिन्यू करें। अब वो कह रहा है यू आर एबल टू सेट अप द पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर द कंपनी, अब सिग्निफिकेंट कंट्रोल जो बंदा होगा जो कि डायरेक्टर को जो है रख भी सकता है और रिमूव भी कर सकता है उसकी डिटेल पे ये जा रहा है, तो इसको जो है आप कंटिन्यू करेंगे। फ्रॉम योर प्रीवियस आंसर्स वी नो दैट अली भट्ट इज अ पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल, ये आपसे कह रहा है कि जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन आपसे पूछे हैं उनसे हमें ये फील हो रहा है कि जो अली भट्ट है यही सिग्निफिकेंट कंट्रोल जो है पर्सन है आपकी जो कंपनी होगी उसका, तो आप इसको जो है वो कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल ये सही कह रहा है क्योंकि हमने यही चीजें जो है वो प्रीवियसली फिल की हैं। डज अली भट्ट हैव द राइट टू अपॉइंट और रिमूव द मेजोरिटी ऑफ कंपनी डायरेक्टर्स, यस आप इसको यस करेंगे, डेफिनेटली वो सिग्निफिकेंट कंट्रोल पर्सन है तो वो जो है वो डायरेक्टर को अपॉइंट भी कर सकता है और रिमूव भी कर सकता है, तो आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे यस करके। चेक एंड कंफर्म डिटेल्स ऑफ द पर्सन इन इन द कंट्रोल पर्सन इन द कंट्रोल ऑफ अली वर्ल्ड लिमिटेड, अब ये वही चीजें हैं जो आपने प्रीवियस स्लाइड्स में दी हैं, अब पूरा आपको वो सारा एक दफा दोबारा रिव्यू करवा रहा है कि ये चीजें अगर कोई मिस्टेक हो यहाँ पे आप जाके चेंज भी इनको कर सकते हैं, ये सारी वाली वही चीजें हैं जो आपने प्रीवियस स्लाइड में दी हैं, आपको रिव्यू करवा रहा है, आप इसको दोनों को चेक चेक लगा के दोनों बॉक्सेस में तो सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब मॉडल ऑफ आर्टिकल्स एसोसिएशन जो है ये आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, तो डू यू वांट टू यूज मॉडल आर्टिकल्स, आप इसको यस करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब डू यू एग्री टू फॉर्म द कंपनी, तो यस आप कंफर्म करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब आपसे वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है वो आप क्रिएट करें, तो इलेक्ट्रॉनिक जो सिग्नेचर है उसमें ये आपसे कह रहा है कि आपने कोई सी जो 1 2 3 4 5 6 ऑप्शंस में से कोई 3 ऑप्शन जो है वो आप चूज करेंगे और फिर वो आपको सब ऑप्शंस नीचे देगा कि आपने क्या उनमें से फिल करना है। मिसाल के तौर पर टाउन ऑफ बर्थ, वो आगे से कह रहा है कि इंटर द टाउन ऑफ बर्थ फर्स्ट 3 लेटर्स जो है वो जिस जिस भी सिटी में आप पैदा हुए हैं उसके जो है वो आप फर्स्ट 3 लेटर देंगे, तो मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ भी दे देता हूँ। इसी तरह वो आपसे टेलीफोन नंबर का कह रहा है कि इंटर द टेलीफोन नंबर जो है लास्ट 3 डिजिट दे दें, तो आप कोई भी दे सकते हैं जो आपका अपना एक्चुअल मोबाइल नंबर है, आप अपना डाटा फिल कर रहे होंगे तो अपनी चीज़ें जो है वो फिल करेंगे आप, तो मैं रैंडमली कर रहा हूँ लेकिन आपने वही चीज़ें देनी है जो आपकी एक्चुअल है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के लिए। इसमें से 3 ऑप्शंस मैंने चूज कर ली है और तीनों की जो सब ऑप्शंस हैं आगे उनका भी डाटा मैंने दे दिया है,
ये आप देख सकते हैं, ये इस ऑप्शन को मैंने क्लिक किया, ये सब ऑप्शन, ये सब ऑप्शन, ये सब ऑप्शन, तो इसको कंप्लीट करके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब दोबारा से जो है वो आपको चेक एंड कंफर्म योर आंसर्स का जो है पूरा फिर दोबारा से रिव्यू दे रहा है। आप दोबारा एक दफा रिव्यू करें, जरूर रिव्यू कीजिएगा। सम टाइम कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, बंदा एक दफा रिव्यू कर ले, उसमें कोई मजायका नहीं है। ये सारी चीजें जो है आपने पिछली जो प्रीवियस स्लाइड्स में फिल की हैं, वही उसी की बेस पे सारा डाटा दे रहा है। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं अगर वो मिस्टेक है, अदरवाइज आप अगर करेक्ट हैं, आपका कोई गलती नहीं है, तो आप कन्फर्म है कंटिन्यू करेंगे। अब आपसे चेक एंड कंफर्म योर आंसर्स, ये दोबारा से आप फिर वही रिव्यू दे रहे हैं सारी चीजों का। ये सारा आपका फॉर्म आप देख सकते हैं प्रीवियस स्लाइडों में, जो भी आपने दिया वो दोबारा से कह रहा है कि इसको करें, अब आप अंडरस्टैंड करें और इसको कंफर्म एंड कंटिन्यू करें। ये सारा वही डाटा है जो कि देखें, चेक एंड कंफर्म योर आंसर्स, जो आंसर्स आपने दिए हैं, अगर कोई दोबारा से फिर देख लें, अगर कोई चेंजिंग करनी है, कोई मिस्टेक है, तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं ये दी हुई ऑप्शन। तो इधर कंफर्म एंड सेंड एप्लीकेशन पे करेंगे क्लिक। अब आपसे वो कह रहा है कि यू आर अबाउट टू मेक सिक्योर पेमेंट ऑफ 12 पाउंड। ये वही जो पहले दूसरी स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि वो आपसे पूछ रहा था कि आपके पास कार्ड या पेपाल की ऑप्शन है, जहां से जो है आप 12 पाउंड की जो है वो पेमेंट करेंगे कंपनी फॉर्मेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ यूके को। तो ये अब वही कह रहा है कि अब आपकी कंपनी फॉर्म होने जा रही है, तो सिक्योर पेमेंट जो है आप करें 12 पाउंड की, तो मेक पेमेंट पे आप जाएंगे। ये अब जो है सभी जो है आपकी कंपनी जो है ऑलमोस्ट फॉर्म हो चुकी है। अब यहाँ पे आप कार्ड पेमेंट पे क्लिक करेंगे, अगर आप कार्ड से पे करना चाहते हैं, अगर पेपाल से क्लिक करेंगे तो पेपाल से आप पे करेंगे 12 पाउंड। तो यहाँ पे जो है लास्ट में दोबारा आपको बता दूं कि ये कार्ड वाली ऑप्शन में, कार्ड पेमेंट में जाके आप जो है अपने मुल्क में जहाँ पे भी आप रहते हैं, उस मुल्क का जो है आपके पास जो बैंक का एटीएम कार्ड होगा या डेबिट कार्ड होगा, क्रेडिट कार्ड होगा, जो भी है जिनमें से कोई भी कार्ड, जो वीजा हो, मास्टर कार्ड हो, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड हो, कोई भी आप अपने मुल्क कंट्री में जिसमें रहते हैं उसका कार्ड यूज करके यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। अगर पेपाल की ऑप्शन आपके पास है तो पेपाल से जो है दे सकते हैं, पेपाल से पेमेंट 12 पाउंड की कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल लास्ट स्लाइड थी हमारी, जिसपे आप जस्ट पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आपको फौरन पेमेंट की एक्नॉलेजमेंट की ईमेल आएगी, और साथ ही आपको कुछ ही देर में, सम टाइम जो है 2-3 घंटों बाद मेल आती है, सम टाइम 1 आध दिन भी लग जाता है, और सम टाइम फौरन भी 15-20 मिनट में आपको मेल आ जाती है, आपकी कंपनी फॉर्मेशन की कंफर्मेशन आ जाती है कि आपकी कंपनी फॉर्मेशन हो चुकी है। तो आप 1 आध दिन वेट करें, आपको जल्दी भी आ सकती है, 1 आध दिन लग भी सकता है। और अगर आपने जो प्रीवियस फॉर्म फिल किया उसमें कोई मिस्टेक है या आपसे कोई वो चीज पूछना चाहेंगे मजीद, तो वो आपको थ्रू ईमेल कंफर्म करेंगे। तो अगर कोई ऐसी क्वारी उनकी नहीं होगी तो आपको कंफर्मेशन की मेल आ जाएगी कि अपनी आपकी कंपनी फॉर्म हो चुकी है। जो ही आपकी कंपनी फॉर्म होगी उसके बाद जो है फर्दर आप जो भी इस कंपनी फॉर्म के बाद करना चाहें वो आप फिर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आज की जबरदस्त वीडियो थी जो उन लोगों के लिए थी, जो कि एक लाइव डेमो है जो कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताई है, जिसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। जस्ट आप फोकस करेंगे, वीडियो को अच्छे तरीके से 2-3 दफा देखेंगे तो आपके लिए कोई भी स्टेप जो है वो मुश्किल नहीं होगा। तो अगर फिर भी आपको कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो कमेंट्स बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, अच्छे टॉपिक के साथ दोबारा फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।